कन्नौज में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है विकास का। कन्नौज में विकास के नाम पे लोगों को छला गया है, ठगा गया है पिछले 40 सालों में और अब आने वाले 5 साल में, जो 5 साल जो 2019 से 24 तक रहा इसमें भी सिर्फ छलावा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर वर्ग का, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, वो ना उसको रोजगार है, गरीबों के पास ना छत है, ना छप्पर है, ना पानी है, ये बस 4 किलो 5 किलो अनाज के नाम पे छलावा छल रहे हैं। हर तरीके से आदमी परेशान है। अब मैं जनता के बीच में जाके जनता की बातों को सुन रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। हिमांत जी, जैसे कि आज समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया और आज ही आपने नामांकन किया है, तो इस स्थिति में आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, पहले अखिलेश का नाम आ रहा था, अब जो है उन्होंने प्रत्याशा कर दिया, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपका इंतजार कर रहे थे कि आप नामांकन करें उसके बाद प्रत्याशी घोषित करें, किस वजह से? देखिए, पहले आपने जो अभी सवाल किया मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपने सवाल किया कि उनके टिकट डिक्लेयर करने पे नामांकन किया। नहीं, मैंने जब नामांकन किया है, मेरा नामांकन तो परसों से ऐलान था कि मैं 22 तारीख को करूंगा, और मैं कल मैं एक चैनल पे बैठा था और मैंने उस चैनल पे भी बताया था। हमारे सपा के प्रवक्ता भाई बैठे थे, शकील भाई कोई उनके प्रवक्ता बैठे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, साफ पत्ता है और सारे पत्ते खुले हैं, माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे। मैंने उस चैनल पे कहा था कि नहीं, जब तक मैं नामांकन नहीं कर लेता तब तक समाजवादी पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलेगी। इधर मैंने 12 बजे के आसपास नामांकन किया है, 12 से 1 के बीच में नामांकन करके जैसे मैं वापस बैठा हूँ वैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया। तो इससे तो एक बात साफ हो गई कि ये सिर्फ इस इंतजार में थे कि बसपा के प्रत्याशी का नामांकन होता है कि नहीं होता है, टिकट तो नहीं बदला जाता। बहुत से कयास लगाए जा रहे थे, बहुत से समाजवादी पार्टी द्वारा अफवाह फैलाई जा रही थी हमको लेकर कि प्रत्याशी बदल दिया जाएगा। लोगों के मनोबल को तोड़ा जा रहा था कि जो हमारे साथ कन्नौज की आवाम, जो कन्नौज की जनता है, वो चाहे किसी भी धर्म जाति से बहुत तेजी से जुड़ रही थी, उसको एक साफ सुथरा और अच्छा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से मिल रहा था। और बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जो पूरे प्रदेश में एक समीकरण बना दिया है उससे जो है पूरे गठबंधन जो है वो बिल्कुल डरा हुआ है, और अब हमारी लड़ाई सीधे भाजपा वर्सेज बसपा होने जा रही है। इसी वजह से जो है अखिलेश यादव जी जो यहाँ से थोड़ा सा वो हिम्मत नहीं कर पाए कि कन्नौज की जनता ने उनका 40 साल से जो कब्जा है उनके परिवार का, उसका काम भी देखा, और जो आने वाला जो 2019 से 2024 तक जो सांसद रहे उनका भी काम लोगों ने देखा, तो जनता को एक बहुत अच्छा विकल्प मिलने जा रहा बहुजन समाज पार्टी के रूप में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।